माधव एक गरीब आदमी है और वहाँ रानीपुर गांव में रहता है। गांव के चारों ओर घना जंगल है और ये जंगल वन विभाग के अधीन है। माधव के परिवार में उसकी बीवी और उसकी बेटी है, पर उसके पास कोई नौकरी नहीं है। ऐसा कब तक चलता रहेगा जी? हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, आपको कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, मुझे घर पर बैठना पसंद है क्या? मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी कोई नौकरी मिल जाए। माधव नौकरी की तलाश में घर से निकल पड़ता है, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। आखिरकार थक हार कर शाम को माधव अपने घर वापस लौटता है। उसका उदास चेहरा देखकर उसकी बेटी उससे पूछती है, क्या हुआ पापा, आप बहुत उदास दिख रहे हो। कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। मुझे पता है आपको नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए आप उदास हो ना। आपको जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। देखो मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। पापा, आप वन विभाग में नौकरी के लिए कोशिश क्यों नहीं करते? वहाँ तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, और मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मुझे कौन काम देगा। पापा, आप लकड़ियों का काम अच्छे से जानते हैं, क्या पता उन लोगों को किसी ऐसे ही आदमी की जरूरत हो। ठीक है बेटा, मैं कल जाकर वन विभाग के लोगों से मिलता हूँ। मुझे नौकरी की जरूरत है, क्या मुझे यहाँ पर कुछ काम मिल सकता है? तुम्हें क्या काम आता है? मैं एक बढ़ई हूँ, लकड़ियों का सारा काम जानता हूँ। हम तो एक ऐसे ही आदमी को ढूंढ रहे थे, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। नौकरी मिलने की बात सुनकर माधव खुश हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। माधव पेड़ों से निकाली हुई इमारती लकड़ियों में से मजबूत लकड़ियों को अलग और दीमक लगी हुई लकड़ियों को अलग करता है। साहब, ये जो लकड़ियाँ खराब हैं, इनका क्या करूं? वैसे तो ये किसी काम की नहीं है, फेंक दो इन्हें। माधव उन दीमक लगी हुई लकड़ियों को फेंक देता है। शाम का वक्त होता है और माधव घर आ जाता है। आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं पापा, क्या बात है? बेटा, मुझे वन विभाग में नौकरी मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोचिंग जा सकती हूँ। हाँ हाँ, जरूर जाओ। माधव के इस वन विभाग वाली नौकरी से उसके घर की दशा सुधरने लगी थी। अब राधिका भी कोचिंग में जाकर पढ़ने लगी थी। एक दिन इसी तरह लकड़ियों में से माधव अच्छी लकड़ियां एक तरफ कर रहा था और दीमक लगी हुई लकड़ियों को फेंक रहा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना इन खराब लकड़ियों को घर ले जाऊं, कभी ना कभी तो काम आएंगे ही। माधव दीमक लगी लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। अगले दिन वो सुबह उठकर काम पर आता है और शाम को घर लौटते समय फिर से उन खराब लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। इसी तरह जब वो ऐसा करता था तो एक दिन एक लेडी ऑफिसर देख लेती है। अच्छा, तो अब तुम चोरी भी करने लगे हो। नहीं मैडम, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, ये लकड़ियाँ तो खराब है इसलिए इन्हें लेकर जा रहा हूँ। अगर खराब है तो क्या इनका अचार डालोगे? झूठ मत बोलो, तुम जैसे चोरों को ये नौकरी नहीं देनी चाहिए थी, कल से नौकरी पर मत आना। माधव निराश होकर घर आ जाता है। नौकरी छिन जाने से वो बहुत परेशान होता है। तभी उसकी नजर अपनी लाई हुई लकड़ियों पर पड़ती है। क्यों ना इन लकड़ियों से एक रिक्शा बना लूं? माधव सारी सड़ी हुई लकड़ियों से दीमक को हटाकर साफ करता है। वो दिन रात मेहनत करके इन लकड़ियों से एक रिक्शा तैयार कर लेता है और रिक्शा चलाने का काम शुरू कर देता है। भाई साहब, शहर छोड़ दोगे? हाँ हाँ, बैठ जाओ। माधव रिक्शा को हाथ से खींचकर ले जाता, जिससे सवारियों को कहीं भी पहुंचने में बहुत देर हो जाती। इसी देरी की वजह से अक्सर सवारियां माधव के रिक्शे में बैठने से मना कर देती थी। भाई साहब, शहर जाने में टाइम लगेगा। 4-5 घंटे लग जाएंगे। भाई साहब, मुझे शहर जाना है, विदेश नहीं जाना, रहने दीजिए, मैं दूसरा रिक्शा देख लूंगी। माधव ने लकड़ियों की मदद से रिक्शा तो बना लिया था, पर उसे उस रिक्शे को हाथ से खींचना पड़ता था। पापा, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे शहर जाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, पर मैं तुझे अपने रिक्शे में तेरे एग्जाम सेंटर तक छोड़ दूंगा। पर पापा, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा और मैं एग्जाम के समय तक नहीं पहुंच पाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। माधव सोचने लगता है
कि किस तरह से राधिका को एग्जाम देने के लिए शहर भेजा जाए। वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर जंगल में पेड़ के नीचे पड़ी एक टूटी फूटी गाड़ी पर पड़ती है। माधव उस गाड़ी के पास जाता है। गाड़ी तो कबाड़ बन चुकी है, पर इसका इंजन मेरे काम आ सकता है। राघव उस गाड़ी से इंजन निकालता है और अपनी हाथ गाड़ी पर लगा देता है। चलो, अब हाथ से खींचने की टेंशन तो दूर हो गई, पर इसका मॉडल बदलना पड़ेगा, तब मजा आएगा। राघव अपने पास बची कुछ लकड़ियों से हाथ गाड़ी का मॉडल बदल देता है। वो उस पर छत लगा देता है और उसको एक रिक्शे में बदल देता है। राधिका अपने पापा के रिक्शे में बैठती है। माधव रिक्शा स्टार्ट करता है और राधिका को शहर में उसके एग्जाम सेंटर पर छोड़ देता है। माधव के लकड़ी के रिक्शे पर इंजन लग जाने से अब उसका रिक्शा तेज दौड़ने लगता है, जिससे अब उसके पास बहुत सारी सवारियां आने लगती हैं। भाई साहब, शहर जाने में कितना वक्त लगेगा? बैठ जाइए, एक घंटे में पहुंचा दूंगा। इसी तरह से सभी लोग दूसरे रिक्शे को छोड़कर माधव के रिक्शे पर बैठने लगते हैं। ये देखकर एक रिक्शे वाला माधव से जलता है और पुलिस के पास उसकी झूठी कंप्लेन करता है। साहब, इसने किसी की गाड़ी से इंजन चुरा कर अपने रिक्शे पर लगाया है, ये चोर है। अच्छा, तो अब तुम लोग गाड़ियों के इंजन भी चुराने लगे हो? नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की, ये इंजन तो मुझे जंगल में पड़ा हुआ मिला। अच्छा, तो अब इंजन जंगल में भी मिलने लगे हैं। सीधी तरह से गाड़ी का इंजन वापस करो, नहीं तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। पुलिस वाला माधव के रिक्शे से इंजन निकाल लेता है। राधिका के एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें उसकी मेहनत रंग लाती है। राधिका को एक जॉब मिल गई है। अब राधिका नौकरी करने लगती है और देखते ही देखते एक महीना बीत जाता है और उसे उसकी पहली तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह वाले दिन राधिका देर से घर लौटती है। पापा, आंखें बंद कीजिए, आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, ये लो, कर लिया आंखें बंद, बताओ क्या है। राधिका माधव के सामने एक इंजन रख देती है। अब आंखें खोल दीजिए। नया इंजन देखकर माधव बहुत खुश हो जाता है। पापा, ये स्पोर्ट्स कार का इंजन है, इसे लगाकर आपकी रिक्शा सभी गाड़ियों से तेज दौड़ेगी। माधव स्पोर्ट्स कार के इंजन को अपने रिक्शे में फिट कर लेता है और सवारी के लिए इंतजार करता है। भाई साहब, मुझे शहर जाना है, कितना वक्त लगेगा? बैठ जाइए, आधे घंटे में पहुंचा दूंगा। वहां पहुंचने में तो 2 घंटे लगते हैं। ये मेरा लकड़ी का रिक्शा जरूर है, पर ये स्पोर्ट्स कार की तरह तेज दौड़ सकती है, आप बैठ जाइए। वो महिला माधव के रिक्शे में बैठ जाती है और माधव उसको आधे घंटे के अंदर ही शहर पहुंचा देता है, जिससे खुश होकर वो महिला माधव को डबल किराया देती है। इसी तरह से अब माधव लोगों को तेजी से गांव से शहर पहुंचाता है। जल्दी पहुंचने और समय बचाने के लिए सभी लोग अब माधव के रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं और माधव पूरे इलाके में लकड़ी की फरारी रिक्शे वाले के नाम से फेमस हो जाता है।